क्यों पड़े हूँ चक्कर में, कोई नहीं है रोहित कोहली की टक्कर में। कसम खा मैदान में उतरे श्रीलंका को, कर दिया रोहित ने बर्बाद, ले लिया सारा हिसाब। गंभीर के लाडले को लगा 440 वोल्ट का झटका, चकनाचूर कर दिए रोहित ने गुच्छों में रिकॉर्ड्स, बन गए दुनिया के महान बल्लेबाज। जो आज तक कोई कप्तान नहीं कर पाया उसे रोहित ने श्रीलंका के मैदान में कर दिखाया। गंभीर के सामने निकाली गेंदबाजों की सारी हेकड़ी, किसी की एक न चलने दी। लगाए ऐसे भारत के शेरों ने चौके छक्के, देखकर रह गए सनत जयसूर्या भी अक्के बक्के। रितिका की कसम, रोहित ने दिखाया मैदान में सॉलिड दम। गंभीर के सामने भरी ऐसी हुंकार देखकर काम फूटे श्रीलंकाई गेंदबाज। जो आज तक इतिहास में कोई कप्तान नहीं कर पाया उसे टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने कर दिखाया, जिसने क्रिकेट जगत में तहलका मचा दिया। यहाँ तक कि धोनी से लेकर गंभीर के रिकॉर्ड्स को भी रोहित ने धुआं धुआं कर दिया। कसम खाकर मैदान में उतरे रोहित ने न सिर्फ श्रीलंकाई गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाई, बल्कि वनडे को T20 समझकर खेलते हुए सबको हैरान कर डाला। गंभीर देखते रह गए रोहित मैदान में चौके छक्कों की बारिश करते रहे। श्रीलंका के कप्तान बार बार रोहित के लिए जाल बुनते रहे, लेकिन रोहित ने ना आप देखा ना ताव, मैदान का कोई कोना ऐसा नहीं छोड़ा जहां रनों की बारिश ना की हो। रोहित ने तो वो कारनामा कर दिखाया जिसके बाद रितिका से लेकर कोहली भी खुशी से झूम उठे। वहीं सूर्या भाऊ ने ऐसी बात बोली जिसे सुनकर रोहित अपनी हंसी को रोक नहीं पाएंगे, जिसके बारे में आपको आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें, पहले ही मैच में रोहित ने श्रीलंका का कबाड़ा बनाकर रख दिया। रोहित ने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई रिकॉर्ड्स ब्रेक किए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो श्रीलंका की बर्बादी लिखने वाले रोहित ने डेविड वार्नर और योन मॉर्गन को बहुत पीछे छोड़ दिया है। यहाँ तक कि अब वो वनडे मैच में छक्कों के सुल्तान बन गए। दरअसल टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने श्रीलंका की कायदे से वोट लगाई, कोई गेंदबाज ऐसा नहीं बचा जिसकी बखिया ना उधेड़ी हो। इस मैच में रोहित ने 47 गेंदों पर 58 रनों की पारी खेली, साथ ही 7 चौके और 3 छक्के जड़े। इसके साथ ही रोहित ने 3 छक्के लगाते ही बड़ा रिकॉर्ड बनाया। आपको बता दें, इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के जड़ने वाले कप्तान अब रोहित बन गए। उनसे पहले ये खिताब योन मॉर्गन के नाम था, जिन्होंने 233 छक्के लगाए थे, जिसे ब्रेक करते हुए रोहित अब वनडे में कप्तानों की लिस्ट में सबसे ज्यादा छक्के मारने वाले बल्लेबाज बन गए। आपको बता दें, रोहित भारत की तरफ से इंटरनेशनल क्रिकेट में 15,000 रन का आंकड़ा छूने वाले तीसरे बल्लेबाज बने। साथ ही साथ बतौर ओपनर वो सबसे तेज 15,000 रन बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज भी बन गए। रोहित शर्मा ने डेविड वार्नर का खास रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। आपको बता दें, हिटमैन ने ये कमाल 352वीं पारी में किया, उन्होंने डेविड वार्नर को पीछे छोड़ दिया जिन्होंने 361 पारी में ऐसा किया था। अब रोहित बतौर ओपनर सबसे तेज 15,000 रन पूरे करने वाले दुनिया के दूसरे बल्लेबाज बने, जबकि वार्नर तीसरे नंबर पर खिसक गए। वहीं इस लिस्ट में पहले नंबर पर है सचिन तेंदुलकर, जिन्होंने ऐसा 331 पारियों में किया था। वहीं भारत के लिए बतौर ओपनर सबसे ज्यादा रन भी सहवाग के नाम है, जबकि सचिन दूसरे तो वहीं रोहित तीसरे नंबर पर है। इसके साथ ही भारत की तरफ से वनडे फॉर्मेट में अब तक सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, वीरेंद्र सहवाग और सौरव गांगुली ने 1,000 से ज्यादा चौके लगाए हैं। अब इस लिस्ट में रोहित का भी नाम शामिल हो गया है, क्योंकि उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ 7 चौके जड़े थे। हालांकि इस मैच में रोहित ने गंभीर के लाडले को बड़ा झटका दिया है। रोहित ने इस मैच में ना हर्षित राणा को मौका दिया, ना ही खलील अहमद को मौका दिया, जो गंभीर के खास माने जाते हैं। कहा जा रहा है कि इसके पीछे की रोहित कोहली की रणनीति है, जिसे उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ अपनाया है।